दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे थंबनेल देख के समझ लिया होगा ये वाली वीडियो किस टॉपिक में बोले। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप सभी की फेवरेट वीडियो है दोस्तों। आप सभी ने मेरे पास वाली वीडियो जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले डाली है अहूजा की एलेक्सा 2000 के ऊपर, वो वाली वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट करा कि भाई हमको स्ट्रेंजर का SPV 3K के बारे में जानना है। तो जी हाँ, मुझे पता नहीं आप लोगों ने मुझसे कहाँ से पूछा कि स्ट्रेंजर का 3000 वॉट का एम्पलीफायर कैसा है, जो कि हमारा डुअल चैनल का पावर एम्पलीफायर आता है, ये कैसा है। और दोस्तों मेन चीज़ आप लोग इसको जान सकते हो, ये वेबसाइट पर भी इनकी मैंशन है स्ट्रेंजर वालों की, लेकिन दोस्तों यहाँ पे उसमें क्लियरली ये नहीं मेंशन है कि आप 2 ओम्स और 8 ओम्स या फिर 4 ओम्स पे कितने वॉट का आउटपुट इसमें निकाल सकते हो और कितना लोड इसमें डाल सकते हो। बेसिकली बात करें तो कितने वॉट के स्पीकर और बेस चला सकते हो, ये बात आपको इस वाली वीडियो में पता लगेगी। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। यहाँ पे दोस्तों जो हमारा स्ट्रेंजर का SPV 3K है, इसके बारे में आपकी वीडियो के लास्ट में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। आप लोग इसको आराम से खरीद सकते हो। इसका प्राइस, इसका डिटेल रिव्यू और यहाँ पर कितना लोड डाल सकते हैं, इन सब की डिटेल इस वाले वीडियो में है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आए तो। हेलो दोस्तों, मैं सूर्यांश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, काफ़ी छोटी वीडियो बना के आपको स्ट्रेंजर का SPV 3K के बारे में फुल डिटेल देता हूँ। दोस्तों चलिए हम सबसे पहले जानते हैं इसके फ्रंट पैनल में आपको क्या देखने को मिलता है। दोस्तों जी हाँ, अब जो लोग मुझसे कमेंट करने जा रहे हैं कि भाई तुमने एम्पलीफायर रियल में तो नहीं दिखाया, दोस्तों अगर आपको एम्पलीफायर रियल में देखना है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको मैं एम्पलीफायर शो कर दूंगा और वहाँ पर आपको साउंड टेस्ट मिल जाएगा स्ट्रेंजर का SPV 3K का। और दोस्तों जिनको जानना है वो इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों जानते हैं कि इसके फ्रंट पैनल में आपको देखने को क्या मिलता है। दोस्तों यहाँ पर आपको डुअल वॉल्यूम कंट्रोल देखने को मिलता है फ्रंट में। दोस्तों यहाँ पर आपको डुअल एयर वेंट भी मिल जाते हैं, यानी कि वेंटिलेशन सिस्टम के लिए जो कि पीछे फैन दिए हुए हैं उसके में काम आता है। डुअल हैंडल है। और दोस्तों यहाँ पे जो उसके वॉल्यूम नॉब्स हैं वो आपको टिपिकल स्ट्रेंजर टाइप के मिलते हैं, जैसा कि एक अलग टाइप का होता है इसका नॉब, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है बाकी किसी भी एम्पलीफायर से। दोस्तों यहाँ पर आपको आउटपुट इंडिकेटर मिलता है LED का। और दोस्तों यहाँ पर जो आपके LED प्रोटेक्ट के लिए मैं बता दूँ, यहाँ पर प्रोटेक्ट टेम्परेचर ओवरलोड इंडिकेटर आपको फ्रंट में देखने को मिलते हैं। कोई भी इशू होगा एम्पलीफायर में, रिले में या फिर कहीं भी, तो ये आपको फ्रंट में शो कर देगा। दोस्तों इस एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल पे आपको शो हो रहा होगा कि ये 2 ओम्स पे 1500 वॉट देती है। तो जी हाँ, उसकी टेंशन आप लोग बिल्कुल ना करिए, मैंने आपके लिए बिल्कुल डिसाइड कर रखा है आप लोग कितने वॉट का इसमें टॉप बजाओगे। खैर लोड से तो ज़्यादा ही इसमें लोड मैं आपको डालने के लिए कहूँगा दोस्तों, क्योंकि स्ट्रेंजर है, यहाँ पे बेफिक्रे हम लोग लोड डाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है। दोस्तों आप सभी के स्क्रीन सामने है ये हमारा स्ट्रेंजर का SPV 3K की स्पेसिफिकेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको डुअल चैनल के लिए आउट और इन देखने को मिलता है। इसके बैक पैनल में आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पे वायर और स्पीकॉन से आउटपुट ले सकते हो, जिससे आप लोग चाहो वैसे स्पीकॉन से यहाँ पे क्लियरली मेंशन है आउटपुट लेने के लिए। दोस्तों यहाँ पर आप लोग 2 ओम्स के ऊपर 1500 वॉट निकाल सकते हो दोनों ही चैनल पे। दोस्तों सिंपली बस इतना सा मेंशन है और आपको नहीं पता कि 8 ओम्स और 4 ओम्स पे भी कैसे चलाना है, तो जी हाँ मैं हूँ वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ कैसे चलाना है। दोस्तों यहाँ पे बैलेंस्ड और इनबैलेंस इनपुट का ऑप्शन आपको बैक पैनल पे इसके देखने को मिलता है। साथ ही में आपको बैक में 4 इंच के डुअल फैंस मिलते हैं दोनों चैनल जो सेपरेट हैं इसके उसके लिए। दोस्तों आपको DC फ्यूज बैक ही पैनल पे देखने को मिलता है और रीसेट भी आप बैक से कर सकते हो, स्टार्ट वगैरह करने का आपको फ्रंट में देखने को मिलता है जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो। तो दोस्तों चलिए हम लोग बात करते हैं इसके लोड कैलकुलेशन के बारे में। तो दोस्तों मैं यह वाली वीडियो आपके लिए ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ स्ट्रेंजर SPV 3K को देखते देखते। तो यहाँ पे दोस्तों मैं काफ़ी छोटी वीडियो में आपको बता देना चाहता हूँ आपका मेन पॉइंट, मेन मकसद जो आपको जाना था कितना आउटपुट ये देता है। तो दोस्तों अगर हम लोग 8 ओम्स की बात करें तो कहीं भी वेबसाइट पर या फिर एम्पलीफायर में भी नहीं मेंशन है कि ये 8 ओम्स पे कितना आउटपुट देता है। लेकिन दोस्तों एक 3000 वॉट के एम्पलीफायर को ध्यान रखते हुए ये दोस्तों आपको 500 वॉट तो आराम से दे देगा 8 ओम्स के ऊपर। तो जी हाँ, आपका कन्फ्यूज़न है कि बेस कैसे चलाएं। दोस्तों अगर आपके पास सिंगल की बेस है तो यहाँ पर आप लोग 650 वॉट की बेस इस पर चला सकते हो, जैसा कि मैंने आपको मेंशन करके दिखाया है। दोस्तों अगर आपके पास मॉनिटर है तो 500 वॉट का 15 इंच स्पीकर है, साथ में ट्विटर है, कितने भी वॉट का है, 100 वॉट का है, तब भी चलेगा। तो आराम से आप लोग 8 ओम्स पर बजा सकते हो। दोस्तों ये कहीं भी नहीं मेंशन है, ये मैं बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने खुद से आपको बताया है, तो आप लोग भरोसा करके चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके एम्पलीफायर में या फिर आपके स्पीकर में। चलिए हम लोग बात करते हैं 4 ओम्स। दोस्तों यहाँ पे वीडियो काफ़ी छोटी बनते हुए ख़त्म होते हुए कुछ लोग ये भी मुझसे सवाल करेंगे, भाई जब कहीं मेंशन नहीं तो तुमने कैसे बताया। तो जी हाँ, मैंने 3000 वॉट
को ध्यान में रखते हुए बनाया, जैसे कंपनी एम्पलीफायर को इस्टेब्लिश करती हैं तो 4 ओम्स के ऊपर कितना लोड डालेंगे। तो जी हाँ, बाकी कंपनीज़ में कभी कभी 3000 वाट में 1100 वाट देती हैं, 1000 वाट देती हैं, या फिर आपको किसी किसी एम्पलीफायर में 3000 वाट होने के बावजूद भी वो आपको 800 या फिर 750 देती हैं। तो इस वाले एम्पलीफायर में मेरे हिसाब से आपको कितना लोड चलाना है दोस्तों, अगर आपका एक टॉप 4 ओम्स का है, जो कि डुअल का टॉप 4 ओम्स का होता ही है, तो आप लोग चैनल 1 पे एक टॉप डालिए। टॉप का वोल्टेज आपको क्लियरली मेंशन है, आपने पढ़ लिया होगा मेरे बोलने से पहले। 500 वाट के 2 स्पीकर लगे हों चल जाएगा, 400 वाट के लगे हों, 450 वाट के लगे हों आराम से चल जाएगा, 80 या 100 वाट का HF भी हो तब भी आराम से चल जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आपको 2 टॉप इसके ऊपर बजाने हैं एट 4 ओम्स। दोस्तों चलिए हम लोग बात करते हैं 2 ओम्स भी। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसा तो कोई सवाल भाई उठता नहीं है कि ये वाली एम्पलीफायर 2 ओम्स से बजा सकते हैं कि नहीं बजा सकते, क्योंकि दोस्तों कंपनी की तरफ से सिंपली बस 2 ओम्स ही मेंशन करके हम लोग को दे दिया है कि 3000 वाट है तो 2 ओम्स पे आपको 1500 वाट दे देगी। तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि 2 ओम्स पे इसको बिल्कुल मत यूज़ करना भाई, बेझिझक इसको चलाइए दोस्तों। अगर कोई और कंपनी होती तो मैं आपसे कह भी सकता था कि आपने रिस्क पर जाइए, लेकिन स्ट्रेंजर ने जब लिखा है और स्ट्रेंजर की भाई यहाँ पर बात है, तो बिना किसी प्रॉब्लम के ये 2 ओम्स पे आपके 4 टॉप बजा देगा, यानी कि पर चैनल 2 टॉप। कुल मिला के स्पीकर्स की काउंटिंग करें तो 8 स्पीकर आपके चल जाएंगे, साथ में 4 HF भी चलेंगे। उनकी वोल्टेज है 350 वाट दोस्तों। आप लोग के पास अगर 300 से 350 वाट के स्पीकर्स हैं 15 इंच के, या फिर मान के चलिए 400 वाट के डबल के टॉप हैं आपके पास, और HF 50 या फिर 60 वाटेज की लगी है, तो आराम से चला सकते हैं। 2 ओम्स पे 1500 वाट लिखा है, आप लोग बेझिझक इतना लोड आराम से डालिए। साथ साथ हो गया आपका 14, साथ में दोस्तों आपका जो ट्विटर है उसकी थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ा लेते हैं, तो आराम से आपके 4 टॉप चल जाएंगे, यानी कि 2 टॉप 1 चैनल पे, 2 टॉप 1 चैनल पे। कोई भी प्रोग्राम हो, लाइव प्रोग्राम हो, DJ में अगर आप लगा रहे हो, तो अपने कम वोल्टेज के 15 इंच के 4 टॉप आराम से बजा सकते हो इस वाली एम्पलीफायर के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर इस एम्पलीफायर का आपको प्राइस जानना है तो जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को दोस्तों ओपन करिए, या तो आप लोग कमेंट्स में भी जा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोग को कमेंट्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राइस मेंशन मिल जाएगा दोस्तों। वीडियो में मैंने प्राइस इसलिए नहीं बताया क्योंकि दोस्तों मैं वीडियो अपलोड करने के बाद एडिट नहीं कर सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से एडिट कर सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ी या फिर घटी तो मैं वहाँ पर आपको बिल्कुल अपडेटेड प्राइस बता पाऊँ दोस्तों। मैं ऐसा नहीं कि वीडियो डाल के भूल गया, मैं दोस्तों देखता रहता हूँ क्या प्राइस चल रही है, तो मैं वैसे वैसे आपको अपडेट कर दूंगा। तो बस इतना छोटा सा रीज़न है डिस्क्रिप्शन में प्राइस डालने का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो गए कि फ्रंट पैनल पे क्या है, बैक पे क्या है, कैसे कनेक्शन करने हैं, कितना आउटपुट निकालती है, कितना लोड डालना है। दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको इसके वोल्टेज से तो थोड़ा ज़्यादा ही लोड बताया है, बस 2 ओम्स पे थोड़ा सा कम बताया है, बाकी आपको मैंने 4 ओम्स और 8 ओम्स पे ज़्यादा ही आउटपुट बताया कि ज़्यादा डाल के चलाओ। और दोस्तों यहाँ पर इस एम्पलीफायर का डैम्पिंग फैक्टर इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो मैं भी नहीं बता सकता इसका, तो उस पर कमेंट आप मत करिएगा कि डैम्पिंग फैक्टर भाई मिस कर दिया। तो दोस्तों बस ये थी इस एम्पलीफायर की डिटेल। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर से करिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाई है स्ट्रेंजर SPB 3K की, और यहाँ पे वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए, और मैंने छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करी ताकि आपको ज़रा टाइम लगा। तो बस दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा।